हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पायदान जो हम अपने वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे। जैसे कि ये मेरे पास कतरने बची हुई हैं, इन कतरनों का इस्तेमाल हमने पायदान बनाने में किया हुआ है, जिसे हमने लंबी 2 मीटर चौड़ी पट्टी काट के रख दिया है। और ये हमारा पुराना जींस पड़ा हुआ था, जिसे हमने काट के जॉइंट करके इस तरह से पायदान का शेप देकर हमने उसे बना के तैयार रखा हुआ है। अब हम इसमें अपनी कतरनों से एक डिजाइन डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी आसान है, इसमें कोई टेढ़ा सीधा काटना भी ऐसा नहीं है। इसे आप भी आसानी से घर पे बना सकते हैं, जिसके पास घर पे मशीन हो। सभी लोग अपने घर पे आसानी से वेस्ट मटेरियल से, आपके घरों में कितने कपड़े वेस्ट जाते हैं, उन कपड़ों से आप, उन कपड़ों का आप सही उपयोग कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, बहुत ही आसान है, ये काफ़ी अच्छा पायदान बनके तैयार होगा। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे बना हुआ। इस तरह से हमने लंबी लंबी पट्टी काटी हुई है और उन पट्टियों को हम आड़ा करके इस तरह से जोड़ते जाएंगे। ये देखिए हमें किस तरह से जोड़े हैं, आपको ध्यान से देखना है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास तो कतरने बची हुई थी, लेकिन आपके पास भी जो सिलाई नहीं करते हैं उनके पास भी घर में काफ़ी सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो वेस्ट जाते हैं, जिसका उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, हमने आड़ी करके इन पट्टियों को इस तरह से जोड़ते जाना है। काफ़ी आसान है दोस्तों, जिसे सिलाई करनी नहीं भी आती हो वो इस टाइप की एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा थोड़ा सा जो बन चुका है वो कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से हमने पट्टियों को जोड़ते जाना है आपस में। ये देखिए, हमने सबसे पहले एक पट्टी जोड़ी, फिर दूसरी पट्टी को हम उसी पट्टी के नीचे इस तरह से दबा के ऊपर से उसमें सिलाई लगा रहे हैं। काफ़ी अच्छा, सुंदर और उपयोगी चीज़ है ये, कोई भी इसे घर पे आसानी से बना सकता है। फ्रेंड्स, इस जिस तरह से हम बना रहे हैं, आप भी कोशिश ज़रूर करें। ये देखिए, हमने लगभग इसे आधा तैयार कर लिया है।
किस तरह से हम इसे बना रहे हैं, हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर ये पट्टी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, जिसे हम डबल फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे भी किस तरह से इसमें ज्वाइन करना है ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे थे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कुछ और भी सीखने को इसमें मिले। ये देखिए, हमने इस पट्टी को डबल नहीं किया, सिंगल ही हमने इसमें जोड़ दिया है। अब देखिए हम इसे किस तरह से डबल करते हैं, ये आपको हम इसमें दिखाएंगे। अगर आपके पास चौड़ी पट्टी नहीं बन पाती है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अब इस तरह से कवर किया है, ये इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे हल्का मोड़ दिया है।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये लगभग पूरा हो चुका है। ये देखिए हमारा ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारी के कतरने बाहर आई हुई हैं उनकी कटिंग कर लेंगे बराबर करके। इसे हम पूरा बराबर कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया है। अब हम आते हैं मशीन पर और अब हमने इसकी जो बाउंड्री, चारों ओर की बाउंड्री है उसे हम कवर करेंगे। अब हम उसे कवर किस तरह से करेंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने एक लंबी सी पट्टी बना के रखी हुई है जिसे हम बैक साइड से इस तरह से सिलते हुए इसे हम फ्रंट साइड में पलट देंगे। ये देखिए ये हमारे पास ब्लाउज हमने बनाई थी उसकी कतरन बची हुई थी जिससे हम इसका बॉर्डर कवर कर रहे हैं। ये हमारा पूरा सिल चुका। अब हम इसकी नोक, चारों नोकों को इस तरह से हल्के हल्के काट लेंगे। अब हमें जो हमने पट्टी ज्वाइंट की है उसे हम आगे की ओर पलटाएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे इस तरह से आगे की ओर पलटा देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो चौकोर है नोक बन के आएगी जिसे हम इस तरह से कवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे पलटा के हम यहाँ पर एक नोक निकाल अच्छे से, जो कि दिखने में भी अच्छा लगे। अब हमने इसे फ्रंट और पलटकर इस तरह से सिलाई कर देनी है। यहाँ पर और हमारा कोना आ गया है, उसको हम उसी तरह से इस तरह से नोक बना के पलट देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पायदान बनके अब पूरा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।